Hi you guys, this is Ekanshi and I'm here to talk about the topics related to fashion design which will be helpful to all the fashion design graduates or the people who are applying for it or in the college or want to be a fashion designer. So basically as you all know I made a last video in the last lockdown which is like I know काफ़ी टाइम हो गया है बट मैंने वो वीडियो बनाया था दैट हाउ यू कैन अप्लाई इन UID और एनी डिज़ाइन कॉलेज सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव टू दैट वीडियो एंड सो आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन माई इंस्टाग्राम थ्रू दैट बेसिकली आई नो दिस टुडेज वीडियो इज अबाउट सम डिफरेंट टॉपिक बट फर्स्टली आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग टू यू गाइज like I got a lot of messages in a couple of past days that you know ki I saw your video on YouTube and so I want to talk about things I want to ask few things so there are a lot of people who are worried about how the environment is of UID and are the faculties nice or not and is the course good or not and is the study like you know curriculum and procedure is good or not and things like that but I mean I don't know meko kafi sare messages ye bhi aa rahe the I mean people were saying ki humne kafi kuch suna hai about UID ki it is not good and teachers acche nahi hain environment acha nahi hai and things like that so guys first of all main wo cheez aap logo ko clear karna chahungi ki and I know I'm sorry I couldn't reply to all of you over Instagram because I mean I thought ki sabko personally reply karne se better hai ki main ek video aap log ke liye bana deti hu kyunki actually सबके ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्वेश्चंस थे जो कि पूछे उन्होंने ट्रस्ट मी वो मेरे लाइफ के 4 बेस्ट ईयर्स थे एंड अभी भी मेरे को अगर कोई बोले ना कि यार वहाँ पे वापस चले जाओ किसी भी टाइम मैं जाने के लिए रेडी हूँ एंड आई लिटरली वॉन्ट टू गो एंड मीट माई फैकल्टीज वंस बिकॉज आई लव दैम सो मच दे आर लाइक सो क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज ट्रस्ट मी लाइक अगर मैं आज कुछ हूँ सो उसमें उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एंड मैं सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रही बिकॉज जो सिचुएशन चल रही है लास्ट एक ईयर से सो लाइक ऑब्वियसली इट्स नॉट सेफ टू ट्रैवल एंड स्टफ लाइक दैट सो दैट्स वाई मैं नहीं जा पा रही हूँ एंड कॉलेज भी बंद है सो बेसिकली गाइज जो वहाँ पे ना लिटरली मैं आपको बताऊँ इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा दैट वॉज़ द फर्स्ट थिंग जो मैंने देखी थी वहाँ पर जब मैंने मेरा इंटरव्यू राउंड दिया था एंड दोनों राउंड दिए थे क्रिएटिव टेस्ट दिया था मुझे वही चीज़ वहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी जिस वजह से मैंने फर्स्टली डिसाइड किया था कि नहीं आई रियली वॉन्ट टू बी इन दिस कॉलेज बिकॉज द इन्वायरमेंट इज़ रियली नाइस एंड गाइज वहाँ पे फैकल्टीज़ इतने ज़्यादा फ्रेंडली है ना कि आपको ऐसी फीलिंग ही नहीं आएगी कि दे आर एक्चुअली योर फैकल्टीज़ यू कैन टॉक टू देम एनी टाइम फॉर एनी हेल्प whether it is for like you know studies related or anything else they're always there to help you and to support you so aapko hamesha lagega ki aap apne sath ek as a friend or ek family member se baat kar rahe ho so please ye cheez apne mind se nikal do theek hai ki like aisa kuch bhi hai and the second thing jo aap log bol rahe the ki study structure and everything so I want to clear one thing ki koi bhi design college hoga सबका स्टडी मॉड्यूल ऑलमोस्ट सेम होता है सब्जेक्ट सेम होते हैं जो पढ़ाई होती है वो सेम होती है ठीक है एंड आई मीन सी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि वो उस चीज़ को कैसे ग्रास्प कर रहे हैं ठीक है स्टूडेंट पे वो चीज़ डिपेंड करती है सो आप इस चीज़ को मतलब बिल्कुल भी सोचो मत क्योंकि हर डिज़ाइन कॉलेज में सेम सब्जेक्ट्स होते हैं सेम स्टडीज़ होती हैं सेम ही चीज़ें होती हैं सेम तरीके से सिखाया जाता है सो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे जाना है किस डिज़ाइन कॉलेज में जाना है एंड कहाँ पे आप कंफर्टेबल हो और आप किस तरह से चीज़ों को ग्रास्प कर रहे हो सो या दीज वर द थिंग्स जो कि मुझे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे तो एंड या वन थिंग मोर यू गाइज वर आस्किंग मी अबाउट द प्लेसमेंट्स ठीक है तो गाइज देखो मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम यहाँ पर आई है कि बेसिकली सब मुझसे पूछ रहे हैं कि 2020 बैच को प्लेसमेंट्स क्यों नहीं मिले एंड थिंग्स लाइक दैट सो वो नहीं हुआ क्योंकि 2020 में जब मैं ग्रेजुएट हुई हम सब ग्रेजुएट हुए तो आप सबको पता है कि सिचुएशन कोविड की चल रही थी उस समय
हम लोग ऑनलाइन ग्रेजुएट हुए हैं, हमारी जूरी ऑनलाइन हुई है, हमारा फैशन शो नहीं हो पाया, जो कि लाइक लाइफ में डिज़ाइन स्टूडेंट कभी सोच नहीं सकता कि जूरी ऑनलाइन हो सकती है, ठीक है। तो कोविड की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हुए एजुकेशनल सेक्टर्स में, सो द सेम थिंग हैपेंड विद इट, एंड उस वजह से ऑब्वियसली फैशन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, जैसे कि दूसरे इंडस्ट्रीज़ को हुआ था। सो कहीं पर भी काम नहीं चल रहा था, चीज़ें बंद थी, नोबडी वाज हायरिंग, नोबडी वाज रेडी टू पे, सो एंड ऑब्वियसली इट वाज मच सेफर टू स्टे इनसाइड रादर दैन गोइंग आउटसाइड। सो यही रीज़न था कि हमारे प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं हुए थे, क्योंकि जब इंडस्ट्री ही नहीं चल रही है, काम ही बंद है, तो लोग नए लोग को हायर कैसे करेंगे। लोग अपने ही लोगों को जॉब से निकाल रहे थे, पहले के एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल रहे थे, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, तो लोग कहाँ से नए लोगों को अपॉइंट करेंगे, हायर करेंगे, राइट। बट डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि अभी भी हमारे फैकल्टीज, हमें एक साल हो चुका है, बट वो कंटिन्यूसली टच में थ्रू मेल्स, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स, थ्रू मैसेजेस, कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड वो अभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें वो ग्रुप्स के थ्रू बताते रहते हैं कि यहाँ पर ओपनिंग्स हैं, यहाँ पर ओपनिंग्स है, यू कैन अप्लाई फॉर इट, क्योंकि वो हमारा डायरेक्टली कंडक्ट नहीं करा सकते प्लेसमेंट्स इन द कॉलेजेस बिकॉज ऑफ द करेंट सिनेरियो। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम एंड दैट हैज़ एक्चुअली हैपेंड एवरीवेयर, सो इट इज़ नॉट जस्ट विद द UID। सो आप प्लीज़ वो चीज़ अपने माइंड से निकाल दो, ठीक है। सो दैट अपार्ट, अभी हम आगे बढ़ते हैं, तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टेल यू दैट आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर फॉर द सेकेंड वीडियो ऑफ फैशन डिज़ाइन, एंड आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बट अभी मैं ट्राई करूँगी कंटिन्यूस रखने का। एंड गाइज आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेज, एक्चुअली आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द विंडो एंड सो बाहर से काफ़ी नॉइजेज आ रही है, जिसको क्या मैं कुछ नहीं कर सकती। या सो या सो बेसिकली द गाइज हु आर न्यू हियर, दिस इज एकांशी एंड अ फैशन डिज़ाइन ग्रेजुएट फ्रॉम UIT अहमदाबाद 2020, एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनाफ टू वर्क विद अ लॉट ऑफ डिज़ाइनर्स एज अ मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर for like a lot of brands and people by past 4 years. So and I have been doing all that through my Instagram, you can definitely check that out. And I've also done music albums and I have worked with MTV for one of the reality show, which was a styling based show, and I was one of their finalists. And currently I have been working as a freelance designer as well as a social media handler for a lot of brands. So yeah, that apart. And yeah, agar guys aap log ko lage ki main niche kyun dekh rahi hu, that is because I have my diary right here jisme sare ke sare details hai, so that I won't miss out on any point and aapko har ek cheez pata chale. So today's topic is all about resume, that how you can make your that perfect resume. So perfect resume jaisa kuch hota nahi hai, basically we can always get better with it, but I want you guys कि मैं इतने अच्छे से आपको आज एक्सप्लेन कर दूँ, सो दैट यू हैव योर हाईएस्ट चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, बिकॉज रेज्यूमे इज समथिंग जो कि सबसे पहली चीज़ देखी जाती है कैंडिडेट से मिलने के पहले, इवन उसको इंटरव्यू पे बुलाने के पहले, कि वेदर दैट पर्सन इज़ लाइक यू नो सूटेबल फॉर आर प्रोफाइल और नॉट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर फर्स्ट एक्सप्रेशन एज द बेस्ट, सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद दैट थिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट। So basically, yeah, so today we'll be focusing on why do you need a resume and who reads your resume and how you make your resume, okay? So firstly, there are two things, okay? You might be confused about what, there's a CV and there's a resume. तो काफ़ी लोग ना confused हो जाते हैं कि वो दो चीज़ें हैं, अलग अलग हैं, एक है या डिफरेंस क्या है। So basically जो CV होता है वो एक डिटेल फॉर्म में होता है, अराउंड फॉर लाइक 2 to 3 पेजेस, फॉर लाइक विच हैज़ ऑल द डिटेल्स अबाउट अस एंड अबाउट आवर वर्क एंड आर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एवरीथिंग। सो इट इज़ द डिटेल वर्जन ऑफ एवरीथिंग, एंड अ रिज्यूमे इज बेसिकली अ 1 or 1.5 पेज विच इज़ की विच इंक्लूड्स लाइक अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन लाइक वेरी पॉइंट टू पॉइंट थिंग, उसमें हम बहुत डिटेल मैंशन नहीं करते हैं अपनी, ओके। सो या दिस इज़ बेसिकली द डिफरेंस। सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट हु रीड्स योर रेज्यूमे, ओके। सो दे कैन बी फाउंडर्स, रिक्रूटर्स
और हायरिंग मैनेजर्स. सो फाउंडर्स, अगर उनका कोई स्टार्टअप है, नया ब्रांड है या छोटा ब्रांड है, तो देर आर चांसेस कि आप डायरेक्टली उनके फाउंडर्स मेन पर्सन को आप अपना रेज्यूमे ईमेल कर रहे हो. और अगर कोई एजेंसी है तो आप रिक्रूटर्स को अपना ईमेल करते हो पोर्टफोलियो एंड सीवी एंड रेज्यूमे. एंड देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि अगर कोई बहुत ही बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो उनके पास हायरिंग मैनेजर्स होते हैं खुद के, जो कि इस पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, तो आप उनसे डिस्कशन करते हो रादर देन टॉकिंग टू द ओनर, ओके, और द फाउंडर. सो बेसिकली अगर आप रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर्स के थ्रू जा रहे हो तो क्या सीन होता है कि दे आर लाइक रियली बिजी बिकॉज दे हैव टू गो थ्रू हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रेज्यूमे ऑन द डेली बेसिस, ओके. सो आई मीन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रेज्यूमे टू स्टैंड आउट, कि एक इंप्रेशन में ही आपका रेज्यूमे वो सिलेक्ट कर लें, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता है, ठीक है, कि अगर आप रेज्यूमे को थोड़ा बोरिंग बनाओगे या समथिंग लाइक दैट, आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखोगे, तो चांसेस होते हैं कि आपका रेज्यूमे ऐसे ही रिजेक्ट हो जाए ना, आपको इंटरव्यू देने का भी चांस नहीं मिले. सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू डू इट, ओके. सो वी विल टॉक अबाउट द लेआउटिंग एंड या. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द लेआउटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम विद लाइक नो वर्क एक्सपीरियंस, ओके, लाइक स्पेशली जब आप ग्रेजुएट ही हुए होते हो तो आपके पास इतना वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम योर इंटर्नशिप्स. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपना लेआउट प्रॉपरली बनाएं, हम उसको प्रॉपर सेक्शंस में डिवाइड करें, ठीक है. तो आई एम गोना टेल यू ऑल द सेक्शंस दैट यू नीड टू इंक्लूड इन योर रेज्यूमे. सो जो फर्स्ट सेक्शन है हमारे पास, दैट इज द पर्सनल डिटेल्स, ठीक है. तो आपके पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या आता है, आपका नेम, एज, ईमेल आईडी, एज वेल एज योर एड्रेस, नॉट एग्जैक्टली द एड्रेस और द लोकेशन, द सिटी यू आर इन. एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो सिटी डाल रहे हो, अगर आप कहीं पे अप्लाई करो, सपोज यू आर स्टेइंग इन दिल्ली बट यू आर अप्लाइंग फॉर द पोजिशन विच इज़ इन बॉम्बे, सो यू हैव टू राइट उसके सामने ब्रैकेट में that I am available, like I'm willing to move into the specific location, theek hai, so that they'll be know that you will be having no problems if you have to move in, if you'll get selected, to unko pata rahega wo cheez. So always be very clear and specific with your things, okay. Then the next thing comes up is profile summary, where you have to talk completely about yourself and nothing else, okay. Then the third thing is educational qualification, all right, where you include your 10th, 12th, graduation, everything, depending कि आपने जब आप apply कर रहे हो उससे पहले आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं, okay. And then your volunteer work, okay, ये एक बहुत ही important चीज़ होती है, क्योंकि ये ना person को बताती है that you are ready to take the risk for the things you stand for, okay, you are ready to do the work for the things you stand for. And ये बहुत important होता है, especially जब आपके पास work experience नहीं है, तो आप उनको इस तरह से बता सकते हो कि नहीं, you are capable of doing things and you are a responsible person. It comes achievement and certifications, so like if you have like on any rewards or prizes, like prizes or awards or something, ya aapne kisi cheez mein certificate gain kiya hai kisi skill ko seekhne mein or something like that, to wo sab cheeze aap yahan par mention kar sakte ho, it will add as an asset, of course. Then comes skills, which are the soft skills. So soft skills kya hote hain? Basically soft skills are ki you have to mention about, like you have to talk about all the skills you have, like you know Photoshop, you know Illustrator, you know any other digital tool or app or something like that, and if you have any leadership qualities or some skills like that, team handling. So you have to mention all of these things in your स्किल्स सेक्शन. हाउ टू राइट प्रॉपरली, आप बोलोगे कि कांशी आपने तो हमें बता दिया कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं जो हमें सेग्रीगेट करनी है, अब हमें उसे लिखना कैसे है, ठीक है. सो वो भी मैं आपको बताऊंगी. उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने बात करी थी पर्सनल डिटेल्स की, ठीक है. तो उसमें आपको अपनी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देनी है, जैसे कि मैंने आपको लोकेशन के बारे में, एड्रेस के बारे में बोला. सो आपको अपना पूरा डिटेल एड्रेस नहीं देना है, क्योंकि वो बहुत ही पर्सनल डिटेल्स होती हैं, यू कैन नॉट गिव इट टू एवरीबडी, राइट, एंड यू शुड नॉट.
तो आप सिर्फ मेंशन कर सकते हो कि आप किस सिटी में हो, लाइक यू आर फ्रॉम दिल्ली और बॉम्बे और वॉट एवर, आप अपना वो चीज़ मेंशन कर सकते हो. इवन इफ़ यू डोंट वांट टू मेंशन इट, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम्स, यू लाइक दैट इज़ टोटली अप टू यू. ओके, देन कम्स प्रोफेशनल समरी. सो इट इज़ अ क्विक इंट्रो ऑफ वॉट यू आर. सो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है कि आप खुद को पिच कर रहे हो उनके सामने, तो इट शुड बी वेरी क्रिस्प. ओके, एंड ऑल्सो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ी बहुत उसमें आपको बटरिंग करनी है, लाइक नॉट बहुत ज़्यादा बट थोड़ी बहुत, लाइक अ लाइन और अ टू. तो लाइक व्हाट यू कैन से इज़ कि आई कैन बी द एसेट टू योर कंपनी. लाइक फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ एंड देन इन द एंड यू हैव टू राइट दैट आई कैन बी एन एसेट, आई बिलीव दैट आई कैन बी एन एसेट टू योर कंपनी. देन यू हैव टू स्टेट द रीजंस. और आप बोल सकते हो कि यू नो आई हैव बीन फॉलोइंग योर ब्रांड सिंस इयर्स एंड आई एम लाइक इन टोटली, आई एम इन टोटल लव विद इट, एंड इट विल बी अ रियल, लाइक इट विल बी रियली ग्रेट इफ वी कैन, लाइक इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू, इट विल बी अ ब्लास्ट और समथिंग लाइक दैट यू कैन रो, like you can write. okay, then comes educational qualification. So over here you have to write about your institute's name, your year of passing, your specialization and your percentage. okay, all grades, this is very important. ये आपको ऐसे ही लिख कम्स अ वॉलंटियर वर्क. तो आपको वॉलंटियर वर्क में सिर्फ तब ही चीज़ें लिखनी है या फिर करनी है जब जो आपने एक्चुअल में करी हो, एंड आपको करनी कब है, जब आप एक्चुअल उस चीज़ में या उस कॉज में बिलीव करते हो. ठीक है, बिकॉज दे नो यू आर फेक व्हेन यू आर फेक. तो आप सिर्फ दिखाने के लिए चीज़ें मत करो या लिखो जब आपने एक्चुअल में वो चीज़ करी हो या आपको एक्चुअल में उस चीज़ के ऊपर बिलीव हो, तभी वो चीज़ें करना. ठीक है, एंड ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ हमेशा करो. ओके, आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हो, लाइक आप 3 times a week, 2 times a week और इवन 1 time a week कर सकते हो, या आप 2 घंटे दे सकते हो एक दिन में किसी चीज़ को, अगर आपको किसी कॉज में बिलीव है तो. एंड ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े काम कर रहे हो, आप अपना सपोर्ट दे सकते हो बाय हैंडलिंग देयर सोशल मीडिया और बाय डिज़ाइनिंग पोस्ट फॉर देम, या फिर क्रिएटिंग, या फिर लाइक हेल्पिंग पीपल टू लर्न हाउ टू मेक अ पेपर बैग और पेपर क्राफ्ट और थिंग्स लाइक दैट, या फिर planting a tree, something like that. ठीक है, तो these are the things, a lot of things that you can do. Then comes achievements. okay, in achievements you have to write about your awards, your competitions and the courses that you have done. okay, so it shows that you are not just into academics but you are ready to explore all the creative aspects of the like all the aspects of the creative field, and you are ready to do things which make you grow as a person and as a creative person. Comes the skills. okay, so skills mein you have to write that you know how to handle social media, Illustrator, Photoshop, Microsoft or like digital art or something like that, and it is always गुड अगर आप उसके सामने ना डॉट्स या फिर सम परसेंटेज और समथिंग यू आर एडिंग, जिससे कि यू नो आप खुद को रेट कर सकते हो उसमें आउट ऑफ 5 out of 10 की कोई भी स्किल में आप कितना स्किल्ड हो. सो वो बहुत ही प्रॉपर स्पेसिफाइड होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप अपना डिज़ाइन पोर्टफोलियो बना रहे हो, बिकॉज ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो आपको आने चाहिए इफ़ यू आर अ डिज़ाइनर. ऑल राइट, then I want to talk about some additional points which you need to keep in mind, like don't put loud colors in your CV. okay, because of course you don't want it to CV or resume, because like you don't want it to look like a rainbow, right? So there is not a holy which is going on. If even if you want to put the colors, just put maximum like 1 or 2 colors and not very loud colors. okay, then always go for A4 size. then या जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि क्लियर डिविजन्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो डू दैट. ऑलवेज यूज़ द फॉन्ट साइज लाइक 10 to 12 points, दैट्स इट. देन फॉन्ट टाइज दैट यू कैन यूज़, डोंट यूज़ वेरी फैंसी फॉन्ट टाइज, बिकॉज दिस यू नीड टू कीप योर रेज्यूमे सी वी वेरी प्रोफेशनल. तो फॉन्ट टाइप्स आप क्या यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ एरियल, यू कैन यूज़ टाइम्स न्यू रोमा. ओके, सो दीज आर सम लाइक टू ऑफ द फॉन्ट साइज दैट आई प्रिफर, सॉरी फॉन्ट्स दैट आई प्रिफर. सो या एंड yes, always add your professional links. So like you can add your LinkedIn, you can add your Behance, and you can add your Instagram handle, not the Instagram handle with your selfies, but if you have an handle which like you know covers your work that you have done,
the professional Instagram account, you can put that link. And if you don't have Behance or LinkedIn account, you should be having that as a professional, because it is very important to be in this industry, and Behance is very important to make the folio. If you have like any doubts, or आपको नहीं पता है कि Behance पे आपको अपना profile कैसे बनाना है, आपको अपना portfolio कैसे बनाना है, तो please आप comments में मुझे बताना, मैं definitely आपके लिए उस पर भी वीडियो बनाऊंगी. देन या ऑलवेज सेंड इट इन अ PDF फॉर्मेट, डोंट सेंड इट इन लाइक PNG और JPEG और समथिंग. ऑलवेज सेंड द CV इन अ PDF फॉर्मेट. देन फाइल नेम, लोग यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, लोग कुछ भी फाइल नेम्स डाल देते हैं. बट वॉट यू हैव टू डू इज अपना फाइल नेम आपको फर्स्ट और लास्ट नेम रखना है, लाइक एकांशी सिंगल रेज्यूमे, ओके, नॉट लाइक न्यू CV, फ्रेश रेज्यूमे, और आई मीन थिंग्स लाइक दैट. पीपल डू दैट जनरली, सो डोंट डू दैट. मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग इट वेरी प्रोफेशनल. सो गाइज, आई लाइक दिस वॉज इट फॉर टुडे. जो भी मुझे आपको समझाना था अबाउट द रेज्यूमे, आई होप कि इसने आपकी चीज़ें को क्लियर किया होगा, एंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाउ यू हैव टू मेक योर रेज्यूमे, ओके. एंड अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट्स है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम सेक्शन में बता सकते हो, लाइक मुझे DM करके बता सकते हो, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल बी क्लियरिंग ऑल ऑफ दोज डाउट्स इन लाइक द अदर वीडियो. All right, and yeah, अगर आपको कोई भी like daily updates चाहिए related to fashion or anything, and if you want to stay connected, तो आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पर mostly वहीं पर active हूँ. And I'll make sure कि अभी I'll make like fashion videos more often, और मैं at least like week में एक video डालूँ related to fashion topic, so that it will be useful for you guys, okay. So yeah, thank you so much for watching, and I hope it helped you guys. And the last thing I want to say, that please stay inside your home, because abhi situation bahut zyada kharab hai, and bahar mat jao, and proper precautions rakho, health ka dhyan rakho. So yeah, till then, till my next video comes, stay safe, enjoy, lots of love, bye.